ये वाला है प्रीमियम वेरिएंट, ये है XV। तो अपना पिज़्ज़ा आ गया है, अभी खोलते हैं अपना पिज़्ज़ा खुशी में, गाड़ी का खुशी। हेलो गाइस, वेलकम टू बुलेट इन्वाइटर। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक्चुअली मैं अपने शॉप से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक शॉप है। मैं जो आप मतलब हम लोग के पास ऑलरेडी एक गाड़ी है स्विफ्ट, तो मैं हम लोग का एक सेकेंड गाड़ी परचेज करने का सोच रहा हूँ। काफ़ी महीनों से मेरा प्लानिंग था, तो आज जाऊँगा देखने के लिए। तो उसके लिए मैं ब्लॉग बनाऊँगा, एक दो महीने में लेने का प्लानिंग है। देखते हैं अभी कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए उसका, वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं निकल गया निसान के शोरूम के लिए, क्योंकि निसान का शोरूम में मैं देखने गया था मैगनेट, निसान मैगनेट। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवी है। मतलब सब फीचर्स में, मतलब फीचर्स में के मामले में बहुत सारा फीचर्स मिल रहा है आप लोगों को इस गाड़ी में, भर भर के फीचर्स दिया हुआ है। और साइज़ भी ठीक ठाक ही है, बस मतलब मेरे को ऐसा लगा कि स्विफ्ट से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन लुक वाइज ना भाई बहुत सुंदर लगा मेरे को ये गाड़ी। और फीचर्स के मामले में बहुत बढ़िया है। और इसका जो रेड कलर था ना, मतलब रेड कलर बहुत सुंदर लगा मेरे को। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब काफ़ी प्रीमियम टाइप का इंटीरियर दिया हुआ है इसका। लेकिन बस कमी ये है कि देखिए इंजन जो है ना, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से थोड़ा काफ़ी कमज़ोर इंजन दिया है मैं बोलूँगा इसका। तो इसमें अगर लेना है तो किसी को भी टर्बो लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो अभी आपको सिर्फ अगर लुक्स चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे को तो पावर भी चाहिए तो उस हिसाब से मेरे को टर्बो देना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी कंसिडर किया। बाकी का दो गाड़ी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा गाड़ी मैं चूज़ की। तो चलिए चलते हैं। उसके बाद में जाके पहुंच गया हिंडे के शोरूम में। मतलब हिंडे के शोरूम में मैं गया वेन्यू देखने के, क्योंकि न्यू वेन्यू आया है फेसलिफ्ट 2022 का है। जो पुराना वेन्यू था इतना लुक वाइज खास नहीं था, मतलब फ्रंट से तो अच्छा था, साइड से भी अच्छा था, लेकिन जो बैक साइड था इतना खास नहीं था। लेकिन जो ये जो मतलब न्यू वेन्यू उन्होंने लॉन्च किया है जो फेसलिफ्ट है, मतलब काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी मतलब लुक वाइज ना मेरे को बहुत ही मतलब बढ़िया लगा इस गाड़ी का। मतलब फ्रंट से भी अच्छा है, बैक साइड से भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। मेरा साइड प्रोफाइल तो अच्छा ही है, और वेन्यू का जो इंटीरियर है वो सब कुछ पता है पहले से ही अच्छा था, इसमें कुछ बात है ही नहीं। बस यही है कि इसमें मेरे को इंजन ऑप्शन बहुत सारा मिल रहा है। तो 1.2 लीटर इंजन है, 1 लीटर टर्बो इंजन है, 1.5 लीटर डीजल इंजन है। तो मैं अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ पावर के हिसाब से कितना मेरे को ज़रूरत है, फीचर्स कौन सा होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी मेरे को मतलब फैसिलिटी लगा, मतलब वर्सेटाइल बहुत ज़्यादा है ये गाड़ी। तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको कंसिडर कर लिया है कि इसमें से कौन सा मॉडल लेना है। तो मेरे अगर लेना होगा तो मैं सोचा कि या तो डीजल लूँगा या फिर टर्बो वेरियंट, दोनों मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पावर दोनों में बहुत अच्छा था। टर्बो में शायद मतलब पिकअप थोड़ा ज़्यादा था शायद, लेकिन जो डीजल है, डीजल का तो आपको पता ही है इनिशियल जो रहता है वो अच्छा ही रहता है। इंटीरियर मार के देगा, मारुति सुजुकी का शोरूम में जाने के बाद हम लोग को गाड़ी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास शो के लिए गाड़ी नहीं था, एक ही गाड़ी था उन लोगों के पास जो डिलीवरी के लिए था। तो उन लोगों ने उन लोगों को ऐसा जगह पार्किंग किया कि वहाँ पे जाके हम लोग वीडियो बनाने का कोई जगह ही नहीं है, उसके आगे पीछे दाएँ बाएँ हर तरफ गाड़ी, एकदम कंजेस्टेड जगह था। तो लुक वाइज जो है मतलब मेरे को ब्रेज़ा काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब लुक वाइज मतलब बाहर से आप देखेंगे ना, मतलब बहुत ही मस्कुलिन गाड़ी लगता है, बहुत ही साइज़ बड़ा है इसका लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो तो आँखों का धोखा है। लेकिन साइज़ सेम ही है, सब 4 मीटर के अंदर है, लेकिन बस जो साइज़ है ना, हाइट गाड़ी का हाइट बढ़ा दी उन लोगों ने, पीछे थोड़ा ग्लास है इंक्लूड किया उसके वजह से ना, मतलब काफ़ी बड़े। तो मैं सोच लिया था कि बुकिंग कर लूँ शायद इन लोग का ये गाड़ी, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो उन लोग से पूछा मैंने, तो उन लोग ने बोला कि 2 महीने का वेटिंग पीरियड है, ब्रेज़ा का भी, ब्रेज़ा बोल रहा हूँ, वेन्यू का भी ऐसे ही है, 2 महीना बोला, 1-1.5 महीने के आसपास है। फीचर वाइज इतना ठीक ठाक है, फीचर वाइज मतलब जो VXI मॉडल है उसमें इंटीरियर इतना खास लग रहा है। जो इंटीरियर खास है ना वो है आपका ZXI मॉडल में, ZXI का उसमें अगर लेना ही है ZXI में आपको हर तरह का फीचर मिलेगा, मतलब इंटीरियर के हिसाब से ऑल फीचर्स मिलेगा। लेकिन घूम फिर के बात यही है कि आपको अगर पावर चाहिए तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो लुक के मामले में मेरे को ब्रेज़ा काफ़ी अच्छा लगा, उसके बाद मेरे को लगा वेन्यू, मतलब वेन्यू भी बहुत ही अच्छा लगा, दोनों एकदम टक्काटे का टक्कर है वेन्यू और ब्रेज़ा, मतलब पूरा सेम टू सेम 19-20 का फर्क होगा। बस वह ये कि ब्रेज़ा थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में, और वेन्यू पूरा प्रीमियम लगता है सामने से, साइड से, फ्रंट से, मतलब ये खा सकते हैं। और मैगनेट थोड़ा सा इन दोनों से नीचे रखता ही है, ये जाहिर सी बात है, अगर प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग का गाड़ी का बुकिंग हो गया है, तो अभी हम लोग डोमिनोज में आके बैठे हैं।
अपना पिज़्ज़ा आ गया है, अभी खोलते हैं अपना पिज़्ज़ा खुशी में, गाड़ी का खुशी में। तीनों में से कोई भी अगर एक लूँ तो मैं सेटिस्फाई रहूँगा। तो कौन सा गाड़ी मैंने लिया है, वो बुकिंग किया है, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा जब मैं गाड़ी का डिलीवरी लूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।